आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तेज बारिश में डीएम उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर दिनेश कुमार और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह निकले शिव भक्तों की सुध लेने। सावन के महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत में डीएम एसपी एसपी सिटी सड़कों पर। मंदिर में डीएम एसपी एसपी सिटी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मंदिर में आराम कर रहे शिव भक्तों का डीएम एसपी और एसपी सिटी ने पूछा हालचाल। दो साल बाद होगी कावड़ यात्रा, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। श्रावण का पवित्र महीना गुरुवार से शुरू हो रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में कावड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए आएंगे, जिसे देखते हुए डीएम उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस पखवाड़े तक चलने वाली कावड़ यात्रा के तहत कावड़िये सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हरिद्वार से गंगा जल लेकर जाते हैं और अपने अपने इलाकों के शिवालयों में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार दो साल बाद कावड़ यात्रा हो रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। दिनेश सिंह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कावड़ियों की सुविधा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कावड़िये हरिद्वार आने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं, हालांकि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों कावड़ियों से साथ विनम्र और संयमित व्यवहार रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग में मांस एवं मदिरा की दुकानों पर रोक है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।